नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इंदौर आपराधिक प्रकरणों के विशेषज्ञ वरिष्ठ ख्यात अधिवक्ता अश्विनी अध्यारू ने समय जगत से चर्चा करते हुए बताया कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के कारण अपराधों की वृद्धि हो रही है। न्यायालयों में प्रकरणों की अधिकता न्याय में होने वाले विलंब के बारे में अभिभाषक अध्यारू कहते हैं, देश में न्यायालय तीन प्रकार की व्यवस्था में बटे हुए हैं। एक अमीरों का न्यायालय, दूसरा सांसदों और विधायकों का, तीसरा गरीबों का न्यायालय। न्यायालय में धनबली और बाहुबली अपराधी बेगुनाह साबित हो जाता है। न्याय बहुत महंगा हो गया, इसलिए समय पर निराकरण नहीं हो पाता है। पुलिस के योजना बनाते हुए पकड़े जाने वाले अपराधियों के मामले फर्जी होते हैं। इनमें 99% पकड़े गए लोग अदालत से बरी हो जाते हैं। पुलिस इन्हें अपनी कमाई के मकसद से गिरफ्तार करती है। पुलिस कमिश्नरी की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायिक अधिकार उपयोग पुलिस कमाई के लिए कर रही है। अपराधों की वृद्धि राजनीतिक संरक्षण के कारण हो रही है। कमिश्नरी लागू होने ही चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस अपना काम करती है, पहले भी कर रही है, आज भी कर रही है। पुलिस जो है कानून का पालन नहीं करती। पुलिस जो रहती है, आज जुडिशरी को पावर होना चाहिए, कमिश्नरी बंद होना चाहिए। कानून की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से आप दोनों लोग कुछ ऐसा करें, आप क्या कहेंगे कि क्या हो, क्या व्यवहार हो जिससे ये अपराधों पर नियंत्रण हो सके? इसमें एक ही चीज है कि समन्वय के साथ में जो है ये पूरा होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए और अच्छी मेहनत करे, अच्छे एक दूसरे के में विश्वास करे और कानून को सख्ती के साथ अगर पालन करते तो ये चीज़ संभव है। और ये कमिश्नरी के मैं खिलाफ हूँ, या कमिश्नरी में पुलिस जो है अपराधी को पकड़ती भी वही है, जेल भी वही पहुँचाती है, जेल में भी वही रखती है, तो क्या इस चीज़ का आर्थिक लाभ और चेष्टा के लिए दुरुपयोग नहीं होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपराधिक प्रकरण में बंद हो जाते हैं दुराचारी का कार्यों के लिए, क्या ये दुराचार नहीं करते ऐसा? इसमें कम से कम 75% मुकदमे झूठे रहते हैं। आज डीएन टेस्ट करा, आसाराम बाबू का डीएन टेस्ट करा है। आज सबसे मेन चीज अभी डीएनए चालू कर दिया उस आदमी को, क्या 75-80 साल का आदमी क्या शारीरिक रूप से उतना सक्षम देता है क्या? या? ये षड्यंत्र का शिकार है। ऐसे में इतनी उम्र जेल में बीत जाती है और फिर उसके बाद अगर कुछ निकाल हो तो फायदा क्या? ये होता ही है ना, आदमी महंगा के ना अपराध करने के बाद 12 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद बरी हुए तो उसका क्या औचित्य? फिर ऐसे में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली जाती है। वो जो धार्मिक कार्य कथा वाचन करके जो नाम कमाया था वो भी धूमिल हो जाता है। अभी आपने कहा कि तीन न्यायालय हो गए हैं, तो इन तीन न्यायालयों में जैसा अभी आप बता रहे हो तो गरीबों का क्या होगा? गरीबों का ये है कि न्यायालय के अंदर जो है आजकल न्याय इतना महंगा हो गया है कि गुनहगार आदमी को अगर निर्दोष बरी करना है तो वो निर्दोष बरी हो जाएगा, लेकिन एक बेगुनाह आदमी है उसको बेगुनाह सिद्ध करना है तो वो आदमी को काफ़ी पसीने आ जाते हैं। तो एक ये समाज में जैसे आप समाज से भी जुड़े हुए हैं तो पता, एक कारण ये है कि सामाजिक रूप से इतने अपराध समाज में क्यों बढ़ते हैं, ये क्या वजह है? ये अपराध जो बढ़ रहे हैं सिर्फ गरीबी महंगाई है और इसके बाद जो है शासन प्रशासन का जो है जो कानून के अंदर जो व्यवस्था ठीक ढंग से होना चाहिए वो व्यवस्था बराबर नहीं हो पाती है और पुलिस वाले अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से नहीं निभा पा रहे। चुस्ते आज मिलिट्री के अंदर क्षेत्र में रहता है, इतने क्राइम क्यों नहीं होते हैं वहाँ पर? ये इसलिए होता है कि पुलिस जो है अपनी ईमानदारी से कानून का नियमित रूप से पालन नहीं कर पा रही है और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे चल गया है। ऐसे प्रकरण नहीं बना पाए, ये कानून जो बने ये अंग्रेज के जमाने के टाइम से बने आ रहा है और आज भी ऐसे कानून, ऐसी धारा, ऐसी सेक्शन है जिसके अंदर जो है वो नियम वो हिसाब से ही बने हुए हैं कि ये चीज़ समाप्त होना, ये चीज़ समाप्त हो ही नहीं सकती है। इसमें नए नियम नए कानून बनाना बहुत अति आवश्यक है। अभी अपने नई सरकार, बीजेपी सरकार ने देखो या कोई भी सरकार ने देखो, अभी एक नया कानून बना है, नानू बनाने में ये है कि अगर पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं और पति पत्नी के बीच में अगर पत्नी जो है उसका पति रहने के बाद बिना तलाक के अगर वो पत्नी किसी गैर आदमी के साथ में रहना चाहे तो कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप जो उसका पति उसके खिलाफ आप स्टेप उठा सकते। जब इस तरह के नियम और कानून बनेंगे तो आप क्या अपेक्षा कर सकते, तो समाज में विकृति नहीं फैलेगी इसे? ये कानून ही उस टाइप के बनाए ना, ये लोग जो बनाते हैं, आसाराम बाबू का बताए, आसाराम बाबू में भी आप देखो, आसाराम बाबू 75-80 साल का आदमी है, उस आदमी को आजीवन में क्या कह दिया, उसको जेल के अंदर डाल दिया।
आज वो उसको ये डालने के पहले नए नियम बनाए, नए एक्ट बनाए, इसके बाद में फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसकी जिंदगी पूरी खराब कर दी। आसाराम बापू पास्को बनाया, ये जो नए नए नियम और नई नई चीजें जो ये बना रहे, ये बनाने के बाद में फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।